Students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the fifth worksheet, which is from Geography book, chapter 2, Physical Features of India. In our previous video, we discussed in detail about the Himalaya. Physical features of India. First is Himalaya, and now we will discuss about the second physical feature of India, that is Nadran Plain. So let's get started. Here you can see in the map in orange color, that is the Nadran Plain, which included the area of Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, some parts of Meghalaya, Assam. Okay, so this is our Nadran Plain. Kal humne padha tha, yahan par Himalaya hai. Aur jab hum direction ki baat karte hain, to direction aapko dobara se repeat kar rahi hain, aapko yaad kar leni hai. This is east, west, north and south. To हिमालय का जो इधर वाला पार्ट है, दैट इज़ द सदरन नदरन पार्ट, और जो नीचे साउथ की तरफ है, दैट इज़ सदरन पार्ट. तो हमारा जो नदरन प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे, ये कहाँ पर लाई कर रहा है? हिमालय के सदरन में. सबसे पहला पॉइंट, नदरन प्लेन्स हिमालय के साउथ में लाई करता है. ओके, नाउ हम अपने डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं. जो मेनली थ्री रिवर्स से फॉर्म होता है, कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ से हमारी इंडस रिवर जाती है, इधर उत्तराखंड से यहाँ पर हमारी हिमालय आती है, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र है. तो थ्री रिवर बेसिन, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनसे ये फॉर्म होता है. ये और इनकी ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं, जो एक रिवर में से छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज़. तो थ्री रिवर सिस्टम मेन है, उसके बाद इनकी ट्रिब्यूटरीज़, ये सब मिलकर के नदरन प्लेन फॉर्म करती हैं. इसकी जब हम बात करती हैं लेंथ की, तो जो नदरन प्लेन है, ये 2400 किलोमीटर लेंथ है इसकी. और विड्थ की जब हम बात करते हैं, तो ये 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर की विड्थ है. सबसे बड़ी बात, रिवर्स का जो एल्वियम होता है, उनके फॉर्मेशन से वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, उनके जमा होने से ये प्लेन बनता है. तो इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. सेकेंड, रिवर सिस्टम से फॉर्म होता है, इट मीन्स आपको, और रिवर्स भी कौन सी होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं? हिमालय से निकलने वाली रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल होती हैं, मीन्स सदा बहार होती हैं, उनके अंदर हमेशा ही पानी होता है. क्यों? क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर्स जो हैं वो लगातार मेल्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरे 12 मंथ्स यानी कि पूरा ईयर इन रिवर्स के अंदर पानी रहता है. तो पानी रिवर सिस्टम से बने होने की वजह से हमें अब्यूडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मिलता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडक होती है, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, क्योंकि ये प्लेन, जैसे कि हमने कहा, प्लेन यानी मैदान, फ्लैट सरफेस होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी मिलती है. और इतनी सारी फैसिलिटी जहाँ पर आपको पानी भी मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है, आपको हेल्दी क्लाइमेट भी मिल रही है, और आपको एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड भी मिल रही है, इट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन आकर के इनमें रहेगी. सो दीज प्लेन्स आर डेंस पॉपुलेटेड. कई बार रीजन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नदरन प्लेन्स होते हैं वो डेंस पॉपुलेटेड क्यों होते हैं. सो दीज आर द रीजन्स कि आप पॉपुलेशन जो है उसको रहने के लिए सारी कंडीशंस उसके फेवरेबल मिल रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलेशन आकर के इन एरियाज़ में रहती है.
अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, इनको इंडो जैनेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। ब्रॉडली इसको थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पंजाब, जैसे हमने हिमालय को कहा किया था, जैसे हिमालय जिस लोकेशन, जिस मेनली स्टेट से जा रहा है, हमने उसके नाम पर ही उसको डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर पंजाब है, पंजाब में इधर से सतलुज नदी आती है, तो इसलिए ये पंजाब प्लेन है। यहाँ से फिर हमारी गंगा निकल कर आती है, इसलिए ये गंगा प्लेन्स हैं। इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है, इसलिए ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। सो, मुझे नहीं लगता आपको याद करने में कोई परेशानी होगी। पंजाब हिमालय, गंगा हिमालय एंड ब्रह्मपुत्र हिमालय, ओके। अब पंजाब प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब प्लेन्स जो हैं, वेस्टर्न पार्ट, हमने डायरेक्शन दोबारा से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? वेस्टर्न, यानी इस नदरन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जो है उसे हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया यहाँ से इंडस रिवर जाती है, तो इंडस रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसकी जो छोटी छोटी रिवर हैं जो इसमें से निकलती हैं, उनसे ये फॉर्म होता है। और आपको बहुत सारे दोआब देखने को मिलेंगे, डोमिनेटेड बाई दोआब्स। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दोआब? एक्चुअली जब दो रिवर्स जा रही होती हैं तो उनके बीच की जो फर्टाइल लैंड है हम उसे दोआब कहते हैं। दो मीन्स टू और आब मीन्स नदियों के बीच की जगह, तो दो नदियों के बीच का जो प्लेन होता है उसे हम दोआब कहते हैं। क्लियर? नाउ दो सेकंड है गंगा प्लेन मिडल। अब ऑब्वियसली इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ये कहाँ पर, गंगा प्लेन कहाँ पर है? मिडल में, तो मिडल पार्ट ऑफ नदरन प्लेन। अब ऑब्वियसली गंगा प्लेन है तो गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी से बनता है, वेरी सिंपल। घग्गर नदी है इधर और इधर है पश्चिमी वेस्ट बंगाल में तिस्ता, तो इन नदियों के बीच में है, और इधर है हमारा हरियाणा और इधर है वेस्ट बंगाल, तो हरियाणा से वेस्ट बंगाल तक ये फैला हुआ है। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जैसे हमने डायरेक्शन देखी थी, ये हमारे नदरन प्लेन का ईस्ट है, तो ये ईस्ट में लाई करता है, और ब्रह्मपुत्र रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज से ये फॉर्म होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है भाबर, सेकंड तराई, थर्ड बांगर एंड फोर्थ इज खादर, और इधर पर ये होती हैं वैलीज। ठीक है, हमें वैलीज नहीं पढ़नी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, सो, आप इनको ध्यान से सुनिए। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी मैंने बात किया कि ये है हमारा हिमालय, और हिमालय पे क्या गिरती है? बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से इस पर ग्लेशियर होते हैं, और ये ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होकर पानी कहाँ आता है? नीचे। तो जो रिवर है अपने साथ कंकड़ पत्थर छोटे छोटे बहा कर लाती है, तो उनको एक जगह पर एक बेल्ट सी बना देती है और इकट्ठे करती चलती है, जिसे इससे जो ये ऐसे जो कंकड़ों वाला जो मैदान बनता है ना, इसे कहते हैं भाभर। ठीक है, और ये शिवालिक के पैरेलल मिलेगा आपको। नाउ जब रिवर जो है वो पानी जब आगे आता है तो तराई रीजन बनता है, ये भाबर के साउथ में है, और दलदला सा, क्योंकि यहाँ पर जो मोटे मोटे कंकड़ हैं वो इकट्ठे होते हैं, और तराई में उसे थोड़े छोटे क्वालिटी के जो कंकड़ होते हैं उनको इकट्ठा करता है, और ये बहुत ही दलदल वाला भाग होता है,
तो बहुत गीला और दलदली भाग होता है। उसके बाद बांगर होता है, बांगर जो है नदरन प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये पुरानी खादर यानी कि जो एल्वेलियल सॉइल होती है वो पुरानी सॉइल होती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है फ्लड आती रहती है और इसको एज लोकल नॉम पे जो लोकली इसको नॉन एज कंकर एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ कैलेरियस डिपॉजिट्स। ओके, तो बांगर होता है। उसके बाद है खादर, खादर जो है ये फ्लड प्लेन्स होते हैं यानी कि बिल्कुल ही नीचे आ गए और यहाँ पर कंटिन्यूसली कई बार बाढ़ आती रहती है और बाढ़ आने की वजह से नदियों के लाया गया जो सॉइल होती है या जो सेडिमेंट्स होता है वो हर बार इसके ऊपर एक परत दर परत वो बिछाती रहती है। तो ये नया यंगर एल्वियम होता है। हेयर इज़ इट बांगर के अंदर ओल्ड था, खादर में नया होता है। एंड द सॉइल इन दिस रीजन इज़ रीन्यूड, ये बार बार रीन्यू होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से पानी जो होता है बाढ़ लगातार आती है, अपने साथ सेडिमेंट्स बहाकर लाती है, तो हर बार नई सेडिमेंट्स की एक परत बिछ जाती है और जिसकी वजह से ये हाईली फर्टाइल होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। भाबर बहुत मोटे कंकर वाला भाग होता है, तराई उससे छोटे कंकरों वाला भाग होता है और दलदली वाला होता है, स्वैम्पी होता है। बांगर के में जो एल्वियम जमा होती है लेकिन वो ओल्ड होती है और बाढ़ वाले मैदानों के पास लाई करता है। खादर ऐसे बाढ़ होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली फ्लड आती है जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो परत दर परत नई बिछते रहते हैं और नई एल्वियम सॉइल होती है। तो दिस इज़ द अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, बाबर, तराई, बांगर, खादर। आपसे क्वेश्चन इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है, बांगर और खादर, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि किसमें ओल्ड होती है किसमें न्यू होती है। स्टूडेंट्स हमेशा जो हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेयर आई कैन गिव यू द डिस्क्रिप्शन और डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बांगर एंड खादर। नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। विच रिवर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नदरन प्लेन? कोई ऐसी तीन नदियां बताइए जो नदरन प्लेन बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकंड है, व्हाई आर द नदरन प्लेन डेंसली पॉपुलेटेड? मैंने अभी आपको बताया था मैदानी भागों में घनी जनसंख्या क्यों होती है। हाउ आर द नदरन प्लेन्स फॉर्म्ड? भारत के उत्तरी मैदान कैसे बनते हैं? व्हाई इज द तराई रीजन डेंसली फॉरेस्टेड? जो तराई वाला भाग होता है दलदली होता है और फॉरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्यों? एंड लास्ट, नेम एनी वन खादर एरिया ऑफ दिल्ली एंड एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो फर्टाइल? आपको दिल्ली का कोई एक खादर एरिया बताना है और ये भी बताना है कि वो फर्टाइल क्यों है। Okay students, that's all for our today's worksheet. I hope you like my videos and it will definitely help you in your studies. So subscribe my channel. Jin students ne subscribe nahi kiya hai, wo channel ko subscribe kar lein, uske paas wale bell icon ko bhi press kar lein so that you will get the notification of my new video. And stay safe, stay healthy, stay home. Have a good day.